Pari, Rani Pari. Baalveer, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सब कुछ ठीक तो है? रानी परी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। बालवीर साफ साफ बताइए आखिर हुआ क्या है? सुनहरा चेन चोरी हो गया। क्या? क्या? सुनहरा चेन चोरी हो गया? पर कैसे बालवीर? महाभस्म परी ने मुझे अपनी माया विजाल में फंसा दिया और उसने उस सुनहरे चेन को हासिल कर दिया। आजादी का जश्न मनाना शुरू कर दो क्योंकि मैं तुम्हारे आजादी की चाबी ये सुनहरा चेन जो गायब हो गया था ले आई हूं। अब कुछ ही पल में तुम सब आजाद हो जाओगे, फिर परिलोक और पृथ्वी लोक की तबाही शुरू होगी। खोलने की चाबी चाहिए, यानी मेहर चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि जीत मेरी होगी और तुम्हारा बालवीर हारेगा। देखो, आंखें खोल कर देखो, देखो वो है मेरी जीत तुम्हारे सामने और इस जीत को पूरा करेंगे तुम्हारे हाथों से। छोड़ो, क्यों नहीं रहा है? ये कैसे हो सकता है? मैं कहां हाथ लगते हैं ये सुनहरा चेन पिघल कैसे गया? ये नहीं हो सकता, नहीं। मैं अपनी जीत के द्वार पर खड़ी होकर हार नहीं सकती। महाभस्म परी हार नहीं सकती, हार नहीं सकती, हार नहीं सकती। तुम हार चुकी हो, तुम हार चुकी हो, तुम हार चुकी हो।
बालवीर, अरे भाई को काट। बालवीर, तुम यहाँ? हाँ महापस्मपति, मैं यहाँ। और ये सुनहरा चिन्ह भी मेरी वजह से ही पिघला है। अला मुश्किल से उस चूहे को भगाया तो ये टेबल फैन बंद हो गया। एक नई मुसीबत। इसे कहाँ ले जा रहा है तू? फेंकने। अरे क्यों? ये पुरानी मुसीबत की तरह इसे भी फेंकने जा रहा हूँ। अरे इसे फेंकना नहीं है, इसे ठीक करना है। मैं इसे ठीक करूंगा और ये चलेगा ना तो रात को मच्छर हमारा खून नहीं पिएंगे। अच्छा तो हम एक काम करते हैं, दादाजी के कमरे में जूस रख देंगे। जूस? क्यों? ताकि मच्छर दादाजी का खून पीने की जगह जूस पी लेंगे। हेलो मानव सचिन सलोनी। पिछली मुसीबत गई नहीं कि दूसरी मुसीबत आ गई। मोंटू, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मुझे लगता है पंखा ठीक करने आए होंगे। नहीं, वो क्या है ना, आज स्कूल में जो मैथ्स के सम दिए थे ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहे। वैसे भी तुम्हारे समझ में पढ़ाई आती ना है मोंटू। सही कहा सलोनी। मानो प्लीज हमारी मदद कर देना होमवर्क करने में। मोंटू, मोंटू तुमको होमवर्क करना है ना? हाँ ठीक है, तो तुम रसोई में जाके खाना बनाओ और भाभी के साथ बर्तन साफ करो और सारे कमरे साफ कर दो। ये सब काम मैं क्यों करूँ? क्योंकि तुम्हें होमवर्क करना है ना, तो होम का मतलब होता है घर, वर्क का मतलब होता है काम, तो होमवर्क मतलब घर का काम, घर का काम तो यही सब होता है ना। रॉकी चाचू अब रहने दीजिए। और वैसे भी मोंटू, मैं तुझे पढ़ाने में कोई मदद नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है तू कोई नई शरारत फिर से करेगा, इसीलिए तू जा। मानव, बुरी बात बेटा, घर में आए मेहमान के साथ ऐसे बात नहीं करते। अरे नहीं नहीं आंटी, मानव को बोलने दीजिए, वैसे भी मोंटू बॉस मेहमान नहीं शैतान है। ऐसा नहीं कहते बेटा। मोंटू, रोहित, केवल तुम लोग बैठो, मानव तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। लेकिन मानव ना मत बोल, आंटी ऑलरेडी बहुत गुस्से में है, चुपचाप उनका कहना मान ले वरना मेहर के बाद तेरे गालों का नंबर होगा। मोंटू जी आइए ना, मैं आपकी पढ़ाई में मदद करूंगा। आइए बैठिए। चलो बहुत अच्छा चक्रव्यूह बनाया था तुमने महापस्मपति, और इस चक्रव्यूह में हम फंस भी गए थे, लेकिन कहते हैं ना कि बुराई अच्छाई से ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। और वैसे ही तुम्हारा रूप भी मेरे सामने आ गया और मुझे पता चल गया कि तुम हमारी मेहर नहीं बल्कि मेहर के रूप में महाभस्म परी। झूठ, झूठ है ये। महाभस्म का एक हाथ कुछ करता है तो उसका पता दूसरे हाथ को भी नहीं चलता, फिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चल गया? अश्वासुर, जब तुमने अश्वासुर को बच्चों के वाहन पे आक्रमण करने के लिए भेजा था तभी मैंने तुम्हें महर से महाभस्म परी बनते हुए देख लिया था। अरे मंटो सब फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी बुरी हूं मैं, और मेरी बुराई का संदेह सही था। बल्लू तुम ही बालवीर हो, मेरा कार्य सफल हो गया। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी पता चल गया है कि तुम हमारी मेहर नहीं बल्कि महाभस्म परी, और तुमने मुझे बल्लू से बालवीर बनते हुए देख लिया है। और मैं ये भी जानता हूं
किसी बात की पुष्टि करने के लिए तुमने अश्वसुर को भी यहाँ बुलाया था। अपने आप को बहुत बड़ा बाजीगर समझती हो ना तुम, पर इस बार जीत कर भी तुम हारोगी और हार कर भी बालवीर जीतेगा। अब खेल तुम नहीं, मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ और तुम्हें तुम्हारी ही चाल से हराऊंगा। और इसीलिए अब तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा, ताकि मैं मेहर को तुम्हारी कैद से आजाद करवा सकूं कि तुम ही महाभस्म परी। लेकिन मुझे तुम्हारा खेल समझ में नहीं आ रहा था, पर वहां से उतरने के बाद तुमने खुद मुझे अपना खेल बता दिया। मैं तुम्हारे साथ परीलोक जाकर रानी परी से मिलना चाहती हूँ। तुम रानी परी से क्यों मिलना चाहती? वो मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि उन्होंने तुम्हें हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है। और सिर्फ मैं ही नहीं, कितने सारे बच्चे उस अश्वसुर से बचे सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं जानता हूँ कि तुम ही महाभस्म परी और तुम परीलोक जाकर सुनहरे चिन्ह को हासिल करना चाहती हो। फिर भी मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम चाहती हो, क्योंकि मुझे मेहर तक पहुंचना है और उसे तुम्हारी कैसे आजाद कराना है। आंख मिचोली का ये खेल तुमने शुरू किया था, लेकिन अब इसका अंत मैं करूंगा और वो भी तुम्हें हरा कर। क्या हुआ बालवीर, क्या तुम मुझे परीलोक नहीं लेकर जाओगे? और याद है तुम्हें परीलोक ले जाने से पहले मुझे किसी बच्चे की आवाज आई थी, मैं मुझे एक बच्चा पुकार रहा है, हो सकता है वो मुसीबत में। मैं अभी जाता हूँ, तुम घर जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं बालवीर, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। नहीं, मैं उस बच्चे की मदद के लिए नहीं गया था, मैं तुम्हारा खेल बिगाड़ने के लिए गया था। बालवीर, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है? नहीं रानी परी, परी तो बहुत चालाक निकली बालवीर, उसने उसने मेहर का रूप धारण करके बड़ी आसानी से हमें धोखा दे दिया। तो अब हमें महाभस्म परी को कैद कर लेना चाहिए रानी परी। नहीं अटकाती परी, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इस समय मेहर कहाँ है। हाँ, हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि मेहर सुरक्षित तो है ना। हाँ, और अगर मेहर को एक भी खरोचाई होगी तो मैं इसी समय जाकर महाभस्म परी का अंत कर दूंगा। शांत हो जाइए बालवीर, शांत हो जाइए। महाभस्म परी के लिए जीत की चाबी है मेहर, और जब तक वो उस चाबी से दैत्य के नर के द्वार को खोलकर दैत्य को आजाद नहीं करवा लेती, वो मेहर को चोट नहीं पहुंचाएगी। तो फिर हमें तुरंत ये जानना चाहिए कि उसने मेहर को कहां छुपाया है। हार पार परी, हम अभी पता लगाते। जादुई कुंड में महर तो दिखाई नहीं दे रही रानी परी। हाँ रानी परी, जरूर महाभस्म परी ने महर के इर्द गिर्द कोई ऐसा कवच बनाया होगा जिसकी वजह से हम उसे देख नहीं पा रहे। हो सकता है, पर परियों आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक नर्क के द्वार का सुनहरा चिन्ह हमारे पास है महर सुरक्षित है। और वो सुनहरा चिन्ह हम उसे कभी हासिल नहीं करने देंगे। हाँ भटकाती भाई, हम महाभस्म परी को भटकाएंगे और उसे विश्वास दिलाएंगे कि वो सुनहरा चिन्ह हासिल करने ही वाली, और वो सुनहरा चिन्ह हासिल करेगी, लेकिन उससे दैत्यों की आजादी का ताला नहीं बल्कि मेहर की आजादी का ताला खुलेगा।
हर पल ऐसा लगेगा कि मेरा हर कदम उसकी जीत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसका हर कदम उसकी हार की ओर बढ़ेगा। और इसीलिए रानी पर मैं चाहता हूं कि आप मुझे महाबसों पर यानी नकली मेहर को परिलोक में लाने की आज्ञा दीजिए। हमारी आज्ञा है बालवीर। और परियों, आप सबको बहुत सावधान रहना होगा। महाभस्म परी को बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए कि हम उसके राज को जानते हैं। जी राजा। हमने ये तय कर लिया था कि खेल तुम्हारा होगा, चाल भी तुम्हारी होगी, लेकिन खिलाड़ी होंगे हम, और अंत में जीतेंगे तो हम ही। तुम्हें अपने हर कदम पे लग रहा था कि तुम्हारी चाल कामयाब हो रही है, लेकिन असली में बाजी हम जीत रहे थे। महाभस्म परी, रानी परी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेहर उस सुनहरे चिन्ह को छुएगी नहीं, बस उसे दूर से देखेगी। एक बार मुझे सुनहरा चिन्ह मिल गया, फिर तो तुम सबका विनाश निश्चित है। बड़े भोले हो तुम। भूला मैं नहीं, तुम बेवकूफ हो महाभस्म परी, जो खुद की बनाई हुई बुराई की दलदल में फंसती ही जा रही हो। तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें ले जा रहा हूं सुनहरे चिन्ह के पास, ताकि मैं महल तक पहुंचकर उसे तुम्हारे चंगुल से आजाद करा सकूं। तुम्हें मायावी पर्वत के पास ले जाना। तुम्हें मायावी पर्वत दिखाना। बस अब कुछ ही कदम दूर हूं मैं अपने सुनहरे चिन्ह से। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गई हो महाभस्म परी, लेकिन तुम खुद यहां नहीं पहुंची, बल्कि मैं महल तक पहुंचने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया। तुम्हें लग रहा होगा तुम मुझसे बहुत कदम आगे हो, लेकिन मैं तुमसे हमेशा एक कदम आगे ही रहूंगा। तुम्हें अंदर ले जाकर सीप खोलकर सुनहरा चिन्ह दिखाना। और अंत में मेरा जानबूझकर आंखें बंद करना, कि तुम उस सुनहरे चिन्ह को चुराकर वहां से ले जा सको। वाह महाभस्म परी वाह, आज तुम्हारा खुद पर जरूरत से ज्यादा विश्वास तुम्हें ही ले डूबा, इसलिए तुम बिना जांच के यहां से नकली सुनहरा चिन्ह चुरा कर ले गई। अब तुम्हारा खेल खत्म और बालवीर का खेल शुरू महाभस्म परी। ये सब तुम्हारा नहीं, हमारा बिछाया जाल था जिसमें तुम फंस गई महाभस्म परी।